होप यू ऑल आर वेल, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, ए फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। ऐसे 16 टाइल्स एक फ्लावर का डिज़ाइन बनाया हुआ है फर्श पे। तो उसने क्या बोला, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। उसने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है कि कितने रुपीज़ लगेंगे इसको पॉलिश कराने में। अगर मैं बात करूं बेटा, बहुत सिंपल सी अगर यहां से बात आती है, तो मेरे को ये पता होगा टोटल कितने एरिया को पॉलिश कराना है, तो तभी तो मैं कॉस्ट निकालूंगी। तो सबसे पहला काम क्या है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर, येट मीन्स एरिया ऑफ 16 ट्राइंगुलर शेप टाइल्स, राइट। तो एक का निकाल लो, उसको 16 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि सबकी डायमेंशन क्या है सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कैसे ट्राइंगल है स्केलन, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हीरोइंस। तो देखो बेटा, यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगुलर टाइल, तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले हीरोइंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी कि 35 प्लस 9 प्लस 28 बाई टू। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, 8 प्लस 9, 8 एंड 8, 16 एंड 1, 17 एंड 5, 17 एंड 5, 22 कैरी कर गया, 2, 3 एंड 2 5, 5 एंड 2 7, और बाय में 2, तो 2 3 6, 2 6 12, कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू हीरोइंस फॉर्मूला इफ यू हैव टू फाइंड द एरिया, वो क्या कहता है, दैट क्या कहता है बेटा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, निकाल दो, एस की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, एस यानी कि बेटा 36, 36 माइनस 35, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28। तो देखो बेटा, 36 आपका एज इट इज, माइनस 1 तो 1, 36 में से 9 गया, 6 आपके गए, वहाँ से बचा 3, तो यानी कि 27, 36 माइनस 28, 6 और 2 8। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा क्या कर रहे हैं, 36 को कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 6, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, 27 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल लो, पेयर बन गया 6 बाहर, पेयर बन गया 3 बाहर, पेयर बन गया 2 बाहर, क्लियर। अंदर क्या बचा, 3 टू 6, तो ध्यान से देखना बेटा, 3 टू 6, 6 इंटू 6, 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितनी का है बेटा, 1 का, मेरे को निकालना कितने के लिए, 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना आ जाएगा, 16 इंटू 10, क्लियर। फिर उसने बोला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, देखो बेटा उसने बोला कोस फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोस फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 पैसे, इट मीन्स 1/2 रुपी, क्लियर। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, राइट, ये कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, 16 इंटू 36 इंटू अंडर रूट 6 के लिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको, 1/2 से। ध्यान से देखना बेटा, 2 8 16, 8 6 48, 4 8 4 8 3 24, 24 and 4 28, और साथ में अंडर रूट 6, तो इतने रुपीज़। अगर मैं 6 की वैल्यू निकालूं, अंडर रूट 6 की आपकी वैल्यू निकालूं, तो वो देखो बेटा मेरे पास कितनी आएगी, एज इट इज़ रखना चाहते हो एज इट इज़ रख लो, रूट 6 की वैल्यू निकालना चाहते हो रूट 6 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, ए फील्ड इज़ इन द शेप ऑफ ट्रैपेजियम। नेक्स्ट जो फिगर है वो क्या गिवन है, ट्रैपेजियम। उसने बोला हुज पैरेलल साइड्स आर, जो उसकी पैरेलल साइड्स हैं, यू नो वेल बेटा कि ट्रैपेजियम में 2 पेयर तो होते हैं, मतलब 1 पेयर तो होता है आपका पैरेलल का और अनदर पेयर होता है नॉन पैरेलल साइड्स का। तो शेप बना रही हूँ बेटा, उसने क्या बोला है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज़ योर ट्रैपेजियम, और उसने बोला जो पैरेलल साइड है, इट मीन्स दिस इज़ पैरेलल टू दिस, तो वो उसने दे रखी है, एक तो आपको 10, ये आपको कितनी गिवन है, छोटे वाली 10, बड़े वाली आपको कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर, और जो नॉन पैरेलल साइड है एक की वैल्यू 14
और ए की वैल्यू 13, ठीक है. देन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फील्ड. हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ दिस फील्ड ए बी सी डी. ध्यान से देखना बेटा, एरिया निकालने के लिए मैं डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं निकाल सकती, मेरे को हाइट चाहिएगी. हाइट तो ज़रूर चाहिएगी बेटा, अगर हाइट नहीं है तो कैसे निकालोगे. तो हाइट कैसे निकलेगी बेटा, ध्यान से देखना एक बार. मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बी वर्टेक्स से, ऐसे, ठीक है, ऐसे. इस वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, तो ये 14 है, तो ये भी क्या बन गई 14. ये 10 है, तो इसके अपोजिट भी क्या होगी बेटा 10. अगर ये इतनी 10 है और ये कंप्लीट 25 है, तो ये कितनी बची 25 माइनस 10 इट मीन्स 15. ये कितनी बच गई 15, क्लियर, ठीक है. ये क्या बन गया बेटा पैरेललोग्राम, क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम. और ये आपके पास क्या बन गई ट्रायंगल. सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ, और ट्रायंगल का एरिया निकाल के यहाँ से मैं हाइट की वैल्यू निकाल सकती हूँ. क्लियर, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया एफ बी एफ. ये हाइट की अगर वैल्यू निकल जाएगी तो मेरे पास पैरेललोग्राम का एरिया भी निकल जाएगा. पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट. हाइट के बिना तो निकलेगा नहीं. तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रही हूँ, इस ट्रायंगल का क्या निकालूंगी एरिया. कौन सी ट्रायंगल बेटा, बी सी, ये मैंने मान लिया ई. कौन सी ट्रायंगल, बी सी ई. तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई, सबसे पहले एस, एस की वैल्यू क्या होगी ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, 14 प्लस 13 प्लस 15 बाई टू, ठीक है. ध्यान से देखना बेटा, 5 एंड 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 1 2 3 4 और बाई में 2, तो कितना आ गया 2 वन ज़ा 2 ज़ा 4 2 वन ज़ा 2, तो 21 सेंटीमीटर. एरिया निकालूंगी तो क्या हो जाएगा बेटा, एस, एस यानी कि 21, 21 माइनस 8, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13 एंड 21 माइनस 15. निकाल दो वैल्यू, 21 आपका एज इट इज, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 15 6, क्लियर. इसको कैसे लिख सकती हूँ, 7 इंटू 3, 7 आपका एज इट इज. इसको कैसे लिखूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8. इसको कैसे लिखूंगी, 2 इंटू 3, जिस इसका पेयर बन रहा है बाहर निकाल लो. 7 का पेयर बन रहा है, 7 बाहर. 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर. 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर. अगेन 2 का पेयर बन रहा है बाहर. पेयर के अलावा कोई चीज़ बची नहीं, क्लियर. तो यहाँ से क्या आ गया, 2 टू ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84. तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. एंड वी नो दैट बेटा इफ दिस इज अ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और बेस कितना दिया हुआ है 15, हाइट आपको निकालने निकाल दो. 84 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज गिवन टू बी 15, जिसपे प्रपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ठीक है. ये जो प्रपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइट, ठीक है. हाइट आपने निकालनी है, एरिया आपके पास ट्राइंगल का आ चुका है. चाहे आप किसी भी फॉर्मूले से निकालो, एरिया तो सेम ही रहेगा, एरिया तो चेंज नहीं होगा. तो यहाँ से आगे बेटा 15 इंटू हाइट आपकी एज इट इज, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 84 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 15, ठीक है. तो ये आपकी क्या आ गई बेटा, हाइट. ये आपकी क्या आ गई यहाँ से, हाइट. तो देखो बेटा, हाइट आप अगर मैं निकालूँ कंप्लीटली, तो यहाँ से आपकी कितनी आएगी, अगर इसको मैं कम्प्लीटली सोल्व करती हूँ, तो हाइट यहाँ से देखो बेटा, 2 4 ज़ा 8, पहले देख लो जो कैंसिल हो रहा है, 8 और 4 12, 3 से कैंसिल हो रहा है, ये आपका 5, ये 3 2 ज़ा और 3 8 ज़ा, 28 2 ज़ा 56, 56 बाई 5. तो देखो बेटा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 15. तो हाइट कितनी आ गई, 11.2 सेंटीमीटर. आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया आ चुका है. इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालोगे, तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास कितना आ गया बेटा, 84, प्लस एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट. बेस कितना है बेटा, 25, नहीं सॉरी, बेस कितना है 10, बेस कितना है 10, 10 इंटू हाइट कितनी है बेटा, 11.2, डेसिमल रिमूव करूँगी तो बाई में 10,
10 से आपका 10 कैंसिल आउट कर दो, प्लस 4 इंटू 6, 8 प्लस 1 9 और 1 आपका एज इट इज, तो कितना आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।